और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है। अखिलेश यादव सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा ये लिखते नजर आए। उन्होंने कहा कि मौर्य के साथ आने वाले कार्यकर्ता और समर्थकों का भी वो स्वागत करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने आज की कैबिनेट में मंत्री पद का जो इस्तीफा है वो दे दिया था, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और इसके बाद अब सपा में शामिल हो गए हैं। सपा अध्यक्ष ने एक फोटो ट्वीट की है और ट्वीट में लिखा है कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सहसम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये ट्वीट है अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष का। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया, साथियों की लिस्ट दो दिन में जारी करूंगा, साथ कितने आएंगे दो दिन में ही बताऊंगा। दलित पिछड़े और किसानों की अपेक्षा से आहत हूं, छोटे व्यापारियों की घोर अपेक्षा से आहत हूं। अपनी बात को सही जगह पहुंचाया पर कुछ हुआ नहीं। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपके अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना, अभी क्या वजह है उनके? एक दो दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं दो दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे, ये हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने बाद तय करेंगे। आपको नाराजगी है कुछ मुद्दों को उठाने को लेकर, ऐसा पहली बार कब लगा आपको कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? ऐसा है, हमें पहली बार ऐसा कब लगा? जब लगा तब मैंने इस्तीफा दिया। मांग क्या थी आपकी, क्या चाहते थे पिछड़ों के लिए जो नहीं हो पाए सरकार के? मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से शुभ होकर इस्तीफा दिया। क्या आपने कभी पार्टी की नेताओं से बात करी, कोशिश की दिल्ली में अमित शाह से या प्रधानमंत्री से, उचित मेरी मांग नहीं मानी जा रही? उचित प्लेटफॉर्म पर मैं सदैव, उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। आपसे क्या कहा गया कि आपकी मांग नहीं मानी जाएगी? तो अब ये भी पता चल चुका है कि किस पार्टी में शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इनकी तरफ से कहा यह गया था कि पहले वो अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे और अब सपा में वो शामिल हो चुके हैं। सपा नेताओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। देंगे और इसमें इनके आने से मदद मिलेगी। तो सपा नेता का बयान भी आपने सुना के, समाजवादी न्याय और इनकलाब होगा ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया के यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें उनका भी साथ और योगदान रहेगा। सर आपके साथ पहले से ही महान दल के अध्यक्ष हैं केशवदेव मौर्य, कहीं वो अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगे? एक भाई एक और आ गए। देखिए बिल्कुल नहीं महसूस करेंगे, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलना है। ये 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है, अगर ये देश होता अपने आप में तो दुनिया का सबसे बड़ा पांचवा देश होता, तो ये बहुत बड़ा परिदृश्य है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है और समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देना जानती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोगों को इस संस्कार में दिया गया है, नेताजी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने, प्रोफेसर साहब ने ये सिखाया है हम लोगों को कि जो आए उसको गले लगाइए, उसको सम्मान दीजिए, उसको ताकत दिख रहा है इस ज्वाइनिंग से। देखिए फायदा तो हर एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद कीमती है। हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश को बचाने की है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की, शिक्षा और सुरक्षा ठीक करने की।